आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी और विधायक राघवेंद्र सिंह ने विकास रथ यात्रा को केसरिया झंडा दिखाकर किया रवाना। उन्होंने कहा ये विकास रथ यात्रा उनके विधानसभा क्षेत्र में केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से दलितों का काम तेजी से बढ़ा है। जिस तरह से दलित की आड़ में सपा के गुंडों ने तांडव मचाया है, सरकार की नजर उन पर है। वहीं उन्होंने कहा कि सपा व बसपा हताश व निराश हो चुकी है। पूरे प्रदेश में जाति समीकरण के आधार पर लोगों को तोड़ने पर लगी हुई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले एक वर्षों में जो विभिन्न ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं उसके बारे में आम जनमानस तक सारे विषय पहुँचे हैं, इसीलिए विकास यात्रा का नाम दिया गया है और ये रथ गांव-गांव तक चौराहे चौराहे तक जाएगा। और हमारे विधानसभा डुमरियागंज में भी पिछले एक वर्ष में जितने कार्य किए गए, जितनी योजनाएँ बनी हैं, जितनी घोषणाएँ हुई हैं, उन सब का इसमें पूरा विस्तृत रूप से वृत्त है माइक के द्वारा स्क्रीन। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल केकेडी न्यूज और हमारी वीडियो अपडेट्स के लिए दबाएं बेल आइकन।